288,000 रुपया एडवांस देगी, ये बाइक परचेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज आपके लिए फिर से एक बड़ा ही ज़बरदस्त बाइक लेके आया हूँ। और बाइक की बात करें तो कावासाकी निंजा का रेप्लिका है 250cc सिंगल स्टैंडर्ड में, और V9 के नाम से भी ये मॉडल पहचाना जाता है। कलर स्क्रीम आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत कलर स्कीम है। और बिलीव करें इस तरह के मॉडल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और इसकी मॉडल की बात करूँ तो 2019 का मॉडल है, तो कंडीशन की बात करूँ तो ऐसे है कि जैसे ये 2023 मॉडल है। इतना जबरदस्त बाइक इतनी जबरदस्त कंडीशन में, सबसे पहले व्यूवर्स आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूं। सबसे पहले नजर करते हैं इसके फ्रंट टायर की तरफ, तो टायर देखें, ये नहीं बोलूंगा कि ये 10x9 है, ये 10x10 कंडीशन में है। आप इसकी कंडीशन देखें, इसके डॉट्स देखें, बड़ी ही जबरदस्त बाइक। और बहुत ही मैं कहता हूं कि आप इसको फिजिकली देखें, ऐसे कि आप कहेंगे कि यार ये 2023 मॉडल खड़ा हुआ है। और बात करते हैं आप इसकी फ्रंट डिस्क की, फ्रंट पे इसकी डबल डिस्क ब्रेक मिलती है डबल कैलिबर पिस्टन के साथ। और अब नजर करते हैं इसकी फ्रंट पे कि फ्रंट लुक कैसी होती है। आप इसका फ्रंट देखें, बहुत ही खूबसूरत इसका DRL, और इसके ये आप ग्राफिक्स देखेंगे ना, ये भी आपको ना बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और अब इसका मैं आपको लाइट दिखाता हूँ, इसकी लाइट कैसी है, हाई लो और ये पास बटन, बहुत ही खूबसूरत। और अब इसको देखते हैं राइट साइड से, राइट साइड से देखें कि आपको बिल्कुल पास करके दिखाने का मकसद ये होता है कि आप घर बैठे अंदाजा करें कि बाइक की कंडीशन क्या है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करता हूं कि बाइक फिजिकली देखें फिर बाइक परचेज करें। तो यहां पे आप इसकी इंजन की तरफ नजर करें तो जोंगशोंग का 250cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड सॉरी एयर कूल्ड इंजन के साथ आपको इंजन देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट की बात करें तो आफ्टर मार्केट SC का एग्जॉस्ट बड़ा ही जबरदस्त और 0 मीटर उन्होंने लेके लगाया हुआ है, ये नहीं कि ये इस्तेमाल छुटा है, बिल्कुल साफ फ्रेश कंडीशन में एग्जॉस्ट है। और अब देखिए इसका बैक टायर भी साफ सुथरा, किसी किस्म का कुछ नहीं, सिर्फ आपको डस्ट थोड़ी सी इसमें नजर आ रही होगी, किसी किस्म की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके टायर है। बैक टेल चेक करें, बैक लाइट देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, इसको नंबर अभी नहीं लगा हुआ। जो भी बाइक लेंगे वो अपने नाम पे खुद रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि बाइक बहुत ही कम चला है, उन्होंने इस बाइक को रजिस्टर ही नहीं करवाया। अब देखते हैं इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड पे भी देखें इसकी, सबसे पहले आपको फेयरिंग दिखाते हैं। और अब नजर करें इसकी चैन गिराड़ी की तरफ, चैन गिराड़ी आप देखें इस तरह के जैसे इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बिल्कुल साफ लश कंडीशन के अंदर। और अब इसका टैंक, इसके टैंक की तरफ नजर करें, बिल्कुल लश, किसी किस्म का कोई आपको मेजर इसके ऊपर कोई आपको निशान नजर नहीं आएंगे। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 16 लीटर का टैंक होता है। अब देखते हैं इसका मीटर को, मीटर इसका बहुत ही खूबसूरत, आप ये देखें कुछ इस तरह से आपको ये वेलकम करता है, बहुत ही खूबसूरत कलर स्कीम के अंदर। और आप इसकी माइलेज देखें, 5,888 किलोमीटर, यानी कि सिर्फ आप 5,5800 किलोमीटर ये बाइक टोटल चला हुआ है 2019 से लेके। और अभी आप देखें यहां पे भी देखें कि आप देखें, इन चीजों से अंदाजा हो सकता है कि यार अभी तक इसके जो ये निशान है ये खत्म नहीं हुए, तो ये बाइक की कंडीशन कितनी कमाल होगी। तो अब इसका आपको साउंड दिखाता हूं, फिर प्राइस और मजीद इंस्टॉलमेंट प्लान की बात करते हैं। बड़ा ही दबंग साउंड है जी, बेहतरीन साउंड में है। और अब करते हैं इसकी प्राइस की बात, तो प्राइस इसकी बहुत ही मुनासिब डिमांड कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस डिमांड है जी 4,80,000 रुपया। तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बाइक की प्राइस होती है वो उसकी कंडीशन के मुताबिक होती है। आपको 2019 मॉडल का यूनिट मार्केट में से 4 लाख का भी मिल जाएगा, 3,80,000 का भी मिल जाएगा, लेकिन वो इस तरह की बाइकें मिलेंगी जिन पे आप 1 लाख रुपया लगा के भी आप इस तरह की कंडीशन में इस बाइक को नहीं ला सकते, क्योंकि जो बाइक ओरिजिनल कंडीशन में होती है वो तैयार करने से वो बाइक अपनी कंडीशन में नहीं आती। तो इसलिए जो भी मॉडल होता है वो अपनी कंडीशन की ही वैल्यू रखता है।
तो इस बाइक की प्राइस है 4,80,000 रुपये इसकी प्राइस डिमांड कर रहे हैं, जिसमें आप 2,88,000 रुपया एडवांस दे के ये बाइक परचेज कर सकते हैं, और महाना जो आपका बनेगा वो 32,000 रुपया आपका महाना किस्त बनेगी। अगर आप इस बाइक को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नंबर मेंशन है, देखिए रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।